एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो कल है मेरे बेटे का बर्थडे एंड कल ही है मेरे भाई का भी बर्थडे एंड वो अभी नहीं है यहाँ पे। उसका प्लान था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे के दिन कहीं बाहर जा रहा था लेकिन उसका प्लान कैंसिल हो गया, तो अभी फ़िलहाल वो लखनऊ में है, वो कल आ जाएगा। तो मेरे मामा के बेटे का बर्थडे एंड मेरे बेटे का बर्थडे एक ही दिन है। शुभम बचपन से हमारे पास रहा है तो मतलब खैर उसकी अलग ही बात है। तो कल है उसका बर्थडे एंड बर्थडे के लिए उनके बहू के पापा आ चुके हैं एंड मेरी मासी की दो बेटियां आ चुकी हैं, तान्या और आकांक्षा। तान्या आकांक्षा मतलब मासी की बेटी हैं, मेरी फ्रेंड जैसी हैं एंड हम लोग की मतलब सुपर केमिस्ट्री है। तो एंड आप ये देख सकते हो, ये मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मेहंदी का कलर। देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है, बहुत ही सुंदर सा आया है मेरी मेहंदी का कलर। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लग रहा है और मतलब बहुत इतना सुंदर सा उसने लगाया भी है और बहुत ही खूबसूरती सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये जो लोटस का जो डिज़ाइन है ना, ये लेटेस्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड आप देखो हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं एकदम, मतलब मैं आपको दोनों दिखाती हूँ, ये देखो कितने सुंदर लग रहा है। एंड यहाँ पे जो उसने है रोज़ जैसा बनाया है। तो अभी कल की होगी थोड़ी सी तैयारी, अभी बर्थडे का कोई भी सामान नहीं आया है, अभी लेने जाना है बर्थडे का सारा सामान, डेकोरेशन का सामान। अभी मौसम बहुत अच्छा है तो मैं पीछे आंगन की तरफ हूँ, तो बर्थडे का सामान लेने जाना है। एंड परसों ये लोग चली जाएंगी, मौसी की बेटियाँ, तो उनको कुछ कुछ चीज़ें दिलानी है। तो अभी मैं जाऊँगी उन लोग के साथ मार्केट एंड उसके पहले वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। एंड वन थिंग, जो भी लेडीज़ हमें देख रही हैं, हमारी वीडियोस देखती हैं, सबको हैप्पी मदर्स डे। दिल से आप सब लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी मदर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड मदर्स डे भी सेलिब्रेशन होने वाला है, तो बस चलिए हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में। एंड मैं आपको सबसे पहले मिलाती हूँ तान्या और आकांक्षा से। तो ये है मौसी की बेटी, ये है आकांक्षा, और ये है तान्या, और ये देखे हेलो हाय करते करते ये गिर गए। तो ये लोग आई हैं कल का वीडियो में नहीं शूट कर पाई थी, कल की वीडियो में नहीं शूट कर पाई थी। और अभी हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे, थोड़ा बहुत जो सामान लेना है, और करेंगे मदर्स डे सेलिब्रेट। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में, फिर मिलते हैं आप लोगों से। कैसा लग रहा है? ये मम्मी को सूट दिया है मैंने मदर्स डे पे, दिखाई मम्मी, बहुत खूबसूरत, दिखाइए, खोल के दिखाइए पूरा, ये देखिए। और अभी हम लोग लाए हैं बहुत ढेर सारी चीज़ें, मार्केट से आ गए हैं हम घर, और उसके बाद से हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सी चीज़ें ली है। अभी फिलहाल कमरे, वेलकम मम्मी, ये देखिए, तो अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट से घर। पहले ये सोचा था कि मम्मी का मदर्स डे पे केक वगैरह कट करेंगे, लेकिन बाबू का भी कल बर्थडे है तो ये हुआ कि नहीं आज रहने देते हैं। और हम शॉपिंग के लिए गए थे थोड़ी बहुत चीज़ों लेने के लिए, मम्मी को लेनी थी मुझे और आकांक्षा को। तो क्या क्या लिया है मैं वो आप लोग को दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने लिए हैं बहुत सारे क्लचर, इतने सारे बड़े बड़े, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे रेट में मिले, क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस तरीके के ये क्लचर्स लिए, इसमें दो आई थिंक एक मतलब वह हम ही सब सारे हम लोगों में से है कि दो जिसको पसंद होगा जो लेंगे। और क्लचर्स बहुत अच्छे मिले, बहुत रिजनेबल मिले। उसके बाद से हम लोगों ने लिए हैं कड़े, ये मैंने जब अपना बैंगल कलेक्शन दिखाया था तो मैंने सेम ऐसा ही एक कड़ा दिखाया था, सेम ऐसा ही था, बस साइज का इशू था। तो मैंने वो साइज मम्मी ने मासी को दे दिया, तो ये वाला मैं लेके आई हूँ आज सेम कड़े। तो ये कड़ा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड एक मैंने ये रेड कलर का लिया है, रेड कलर का जो पहनने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये चार का पीस है, ऐसे पतला वाला, ऐसे डेली यूज़ के लिए। हालांकि डेली यूज़ में मैं कड़े कांच के कम यूज़ करती हूँ क्योंकि टूटते मुझसे बहुत ज़्यादा हैं। और ये देखिए हाथ में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये हमने लिए हैं कड़े ये, और ये चार कड़े पड़े हैं 50 रुपये के, बहुत अच्छा रेंज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था। एक ये कड़ा लिया है मम्मी ने मासी के लिए, तो इस तरीके का है ये डेली यूज़ के लिए, मम्मी मासी लोग को पहनती हैं, तो ये वाला है। एंड अगेन
एक कड़ा, और ये भी मौसी का है ना, ये वाला, ये भी मौसी के लिए मम्मी ने लिया है। इस तरीके का मल्टी कलर का इस पे स्टोन लगा हुआ है और गोल्डन कलर का भी है। इसको किसी भी कलर की साड़ी के साथ या किसी भी मतलब एथनिक ड्रेस के साथ आप आगे पीछे लगा के पहनिए, या अगर आप ये चार भी पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये इस तरीके का है, बहुत ही सुंदर सा। और ये दो लिए हैं मैंने ऐसे सिल्वर कलर के, जो बहुत सुंदर लग रहे थे इस तरीके का। हाँ, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और तानिया और आकांक्षा ने भी एक एक लिया है सेम ऐसे, और उन्होंने सिंगल सिंगल लिया है, मैंने ऐसा डबल लिया है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत स्मार्ट सा है इसको, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही स्मार्ट सा ये वाला कड़ा है, रेगुलर यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कलर फेड होने का या कलर जाने का कोई डर नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है। एंड उसके बाद से ये कुछ रबर बैंड्स लिए हैं, ये तानिया मैडम ने लिए हैं अपने लिए, और ये कुछ मुनमुन के लिए, छोटी छोटा बेटा है जो मेरा, उसके लिए मुनमुन के लिए कुछ मम्मी ने मतलब बैंड लिए हैं, उसके रबड़ बनाने के, मतलब चोटियां बनाने के लिए। एंड उसके बाद से एक जो बहुत सुंदर लगा आज की शॉपिंग में मुझे, एक चीज़ ये मुझे बहुत, ये सबसे पहले मैंने निकाला था, आकांक्षा को चाहिए था सिल्वर कलर का, लेकिन मैंने कहा पहले इसको ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तो बाद में भी ले लूँगी, ये इयररिंग। और ये पहनने में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और ये बड़ा स्मार्ट सा लग रहा है, मतलब इस पे ये जो स्टोन लगे हुए हैं ये बहुत सुंदर सुंदर से लगे हुए हैं, ये लंबे लंबे से। तो ये इयररिंग बहुत ही सुंदर है एंड बहुत ही रीज़नेबल है। इयररिंग कितने का था, 170 का था, 150 में उसने दिया था शॉप वाले ने, तो ये बहुत ही सुंदर सी है। उसके बाद से मैंने ली है कुछ बिंदी के पैकेट्स इस तरीके के, और बिंदी का जो ब्लॉग है कि आपके फेस के अकॉर्डिंग किस तरीके की बिंदी अच्छी लगती है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। एंड मैं आज ब्लॉग को ही दिमाग में रखते हुए मैंने अलग अलग तरीके की बहुत सारी बिंदियाँ ली हैं, और इस पे जो है मैं बहुत जल्दी ब्लॉग बनाऊंगी कि आपका फेस का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग आपके चेहरे पे किस तरह की बिंदी अच्छी लगेगी, इससे रिलेटेड बहुत जल्दी ब्लॉग में बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ली। एक कड़ा ये लिया है, ये भी अगेन बहुत पतला पतला सा है, गोल्डन कलर का इस तरीके से, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो बस ये सारी थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं, एंड वीडियो थोड़ा बहुत जो भी शूट कर पाई मैं की, और बाज़ार में नहीं कर सकती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि मतलब कैमरा लेके इस तरीके से खड़े रहना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ली हैं। बाकी मैंने सोचा था आज बर्थडे की तैयारी के लिए कुछ कुछ चीज़ें ले लेंगे, वो आज नहीं हो पाया, लेकिन हमारे पास कल पूरे दिन का टाइम है, तो कल आराम से जाके मार्केट से ले आएंगे डेकोरेशन की चीज़ें और सारी चीज़ें। कल का ब्लॉग भी आपको सुबह से शाम तक सारी चीज़ें अपडेट मिलेंगी, आप लोगों को क्या क्या किया, किस किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, एंड डेकोरेशन का भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है कि किस तरीके से करना है। आज मेरी पार्टनर्स आकांक्षा और तान्या हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, और उस हिसाब से हम लोग कल करेंगे डेकोरेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में आप लोग के साथ, तब तक इस वाले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, एंड वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे आप जितनी भी मदर्स हैं जो हमारे YouTube देख रही हैं, जो हमारी वीडियोस देख रही हैं, सबको हैप्पी मदर्स डे, भगवान आप लोग को स्वस्थ रखें, एकदम मस्त रखें। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, एंड उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और लुक एट माय मेहंदी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, उसका जो कलर है ना, मतलब कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर आया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लगी, और चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।